it's not going to be one of the run of the mill series ki aaj hum cricket mein ye karne wale hain. It's going to show cricket in a very fun entertainment manner or also I think is game mein jo khasiyat hai ki I think puri India ye game khelegi aur uske alawa wo hamare sath bhi khel sakti hai. So there'll be a leaderboard jahan Varun agar ek din acha khelenge to unka rank upar hoga and then you can compete with Varun directly. You know, you can compete with Ankur, or you can compete with me, or Varun's mother, one of us. You know, so I think it'll be a lot of fun. Actually, बहुत important point है ये कि ये जो game है, ये जो show है, casual fan के लिए बनाया गया है. ये उसके लिए नहीं बनाया गया था जो cricket को लेके passionate हैं और पूरे रात जगे रहते हैं. ये उनके लिए भी जो बस थोड़ी सी मजा आती है cricket देखने में, वो बस थोड़ा सा मजा लेना चाहते हैं. उनके लिए बहुत अच्छा. I think overall ये काफी एक inclusive show है. मतलब योर एंटायर फैमिली कैन कम टुगेदर एंड प्ले. जैसे मैंने कहा मेरे मॉम ने टीम बनाया, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ मेरे मॉम ने एक्चुअली टीम बनाई है. सो ये एक ऐसा गेम है और ऐसा गेम शो है जो पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है और साथ में खेल भी सकती है. एंड यू डोंट गेट टू से दैट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड थिंग एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. तो बेसिकली ये जैसे टेस्ट क्रिकेट के साथ जो T20 ने किया था, ये गेम शो क्या दिए गलत गेम शो करने वाला. दैट्स द राइट आंसर. इतने टाइम से तुम ये सोच रहे हो. बीते से सोच रहा हूं इतने क्या क्या है. ओके रघु, से कल से वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहे हैं जी. क्या गेम मैचेस तो एज अ क्रिकेट लवर कितना एक्साइटेड है कप के? बहुत ज्यादा यार. आई थिंक 83 में जीते थे, 2011 में जीते थे, 8 साल हो गए. आई थिंक एंड वी ऑल्सो हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. आई फील जेन्यूनली इतनी अच्छी बोलिंग अटैक हमारी कभी नहीं हुई है. एंड आई थिंक इन इंग्लिश कंडीशंस हार्ट सेज वी शुड विन. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ क्योंकि इस बार जो सारी टीमें आई हैं मतलब एकदम बेहतरीन. हाँ, तोड़फोड़ मचाने वाली है. इंग्लिश टीम, वेस्ट इंडीज, मतलब अलग कहाँ से आया है वो लोग खेल रहे हैं. मैं ऑस्ट्रेलियन टीम बिकम सो स्ट्रॉन्ग. वॉर्नर्स कम बैक, यू नो, स्टीव स्मिथ्स कम बैक. इट्स गुड मीन. आई थिंक इट माइट बी द बेस्ट वर्ल्ड कप एवर. एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट वी आर लॉन्चिंग उल्टा फुल्टा एट अ टाइम व्हेन वी माइट हैव लाइक द मोस्ट द ग्रेटेस्ट एवर वर्ल्ड कप, यू नो. सो 2007 में लॉन्च नहीं किया आपने. या ओके, उल्टा फुल्टा की बात करें तो टॉप 5 प्लेयर्स आपके हिसाब से कौन, अगर आप खेलेंगे तो किसको रखना चाहिए? बेन स्टोक्स, विराट कोहली, बुमराह, धोनी, बिकॉज धोनी मैन, एंड रसल. और मैं इसकी टीम के साथ जा रहा हूँ. मैं इसकी चिट से ढूंढने वाला हूँ. हार्दिक पांड्या इज वन. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह फॉर मी आर द गाय जो टॉप में रहेंगे मेरे हिसाब से. बाकी तो आते जाते रहेंगे, बाकियों के साथ उल्टा उल्टा होते रहेगा. फॉर मी हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, डेविड वॉर्नर, बुमराह एंड स्टोक्स. उल्टा बताना फुलटा. पूरी बांग्लादेश टीम. यू नो, आज सुबह ही हमने पहला एपिसोड शुरुआत की, आज एपिसोड की, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ. एंड इरफान भाई आ रहे हैं, वी आर शूटिंग विद हिम. बहुत मज़ा आ रहा है. एंड टुडे वरुण एंड मी जैम, वी मेड डिड सम स्केचेस. यू नो, एक स्केच इस पर भी हम कर रहे हैं कि जहाँ 50 ओवर्स, यू नो, सूनर और लेटर विल एक्चुअली बी आउटडेटेड, क्योंकि 2020 बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ. टेस्ट क्रिकेट, यू नो, रियल क्रिकेट लवर स्टिल लव इट, बट 50-50 देखना बहुत मुश्किल होता है अनलेस इट इज द वर्ल्ड कप. सो यू नो, वी वर टॉकिंग अबाउट डूइंग अ स्केच ऑन दैट. सो वी गोना डू, एक्चुअली मी एंड वरुण, सिंस वी आर सच ह्यूज फैन बॉयज, हमारे अंदर इतनी चीज़ें चलती रहती क्रिकेट को लेकर, वो सब हम आज इस शो के द्वारा सब कुछ बाहर लाएंगे. आई थिंक दैट विल बी रियली कूल. या एंड ऑल्सो आई इमेजिन to get a chance to hang with Irfan and Ajit. Yeah, people sure. We've grown up unse like unse story sunna. Haan yaar, 2007 ke world cup mein kya hua andar. You know, Ajit ne jab wo century mari lords pe, and all those stories, yeah, toh, we're very very excited. And that's why I feel it's interesting, because 2007 mein haare the, toh jo fullta angle pura aapko milega, because haarna is as important as jeetna. Correct. So when you get to know ki kya hone wala andar, toh क्या हुआ था जब हार रहे थे, तो अंकुर मुझे इससे याद आता है, आपने have you ever made work on an album where you knew कि ये फुलटा होने वाली है यार, पर you had to make it? मेरी लाइफ में सिर्फ उल्टा ही हुआ है आज तक. कभी कभी कुछ फुलटा मोमेंट्स आए, पर उल्टे से ही चल रहा था. वेरी पॉलिटिकली करेक्ट. और सर, ये अगर सवाल आपसे पूछे, फुलटा मोमेंट कोई आपका? बहुत सारे. और फुलटा, अगर आई थिंक फुलटा मोमेंट्स नहीं होंगे जिंदगी में, तो आप यू नो उल्टे मोमेंट्स को फिर अच्छी फुलटे मोमेंट्स. सॉरी, हाँ, मुझे देखो, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मेरा उल्टा फुलटा हो गया अभी. बट फुलटा तो बहुत ही होते हैं. आई थिंक द फैक्ट दैट यू नो इशबाज अभी 2 महीने पहले खत्म हुआ, एंड द नेक्स्ट डे आई एंड अप मीटिंग नीरज एंड मुनीश एट फिकी, यू नो, वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट टेलीविजन, एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, एंड देन क्रिकेट इज सच अ कॉमन लव. एंड दे सेड, हम लोग ये शो बना रहे हैं. आई सेड मुझे क्रिकेट खेलना है,
एंड देखो अभी ये हो रहा है सो इट्स अ फुल फुल टाइम मोमेंट यू नो अदरवाइज आई माइट हैव बीन राइट नाउ वर्किंग ऑन अ 14 आवर शिफ्ट इन यू नो डूइंग अ टीवी सोप व्हिच आई एम नॉट सो इट्स अ फुल टाइम मोमेंट राइट यस या ओके वरुण वरुण से पूछो वरुण का सवाल है जी जी क्रिकेटर हार्दिक पांड्या जब चैट शोज नहीं करता मुझे बहुत पसंद आता है बट मैं कहना चाहूंगा उसके आई थिंक डिफेंस में कि ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद वरुण बिफोर गोइंग टू एनी चैट शोज सो एनी ब्लेम शुड रियली गो टू नॉट दिस वरुण यार नॉट दिस अनदर फ्रेंड आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड वरुण यार वरुण मल्होत्रा बट मुझे आई थिंक हार्दिक विल बी द की दिस टाइम फॉर इंडिया बिकॉज ही इज वो परफेक्ट मिश्रण है यू नो अ बैट्समैन बॉलर सो आई थिंक इफ ही डज वेल वी शुड रियली डू वेल बस वंडरफुल वर्क एंड